हमारे रॉयल हट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पास्ता और पनीर से बिल्कुल नई सब्जी बनाने वाली हूँ जो खाने में टेस्टफुल और स्पाइसी लगेंगे। तो चले इसका सारे इंग्रेडिएंट्स और बनाने की विधि बताने वाली हूँ। 150 ग्राम के क्वांटिटी में पनीर लेंगे और 75 ग्राम के क्वांटिटी में पास्ता लेंगे और प्याज सभी लंबे शेप में काट लेंगे और टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर सभी इस तरह शेप में काटेंगे। ये देखिए सभी को इस तरह शेप में काट लिए हैं और चलते हैं इसे बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता है और बहुत कम मात्रा और कम समय में बनता है। तो चलिए इसे बनाते समय सारे मसाले बता दूँगी। ये सभी को पहले साइड कर लेते हैं। इसके बाद कुछ प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर को मोटे शेप में काट लेंगे। ये देखें ये सभी को मोटे शेप में काट लिए हैं और अदरक भी 2 टुकड़े काट कर ले लिए हैं। और एक जार लेंगे, जार में सभी को डाल लेंगे। ये देखें 2 मिर्च भी, हरी मिर्च डाल लेंगे। ये जार में सभी को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें इसकी ग्रेवी बनने पर बहुत गाढ़ी और टेस्टफुल बनती है। पहले चलते हैं कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें तेल डालने वाली हूँ। ये तेल डाल लिए हैं, कम से कम 75-80 ml के क्वांटिटी में तेल डालें क्योंकि सारे वेजिटेबल्स इसमें ही भुनेंगे। ये देखें सारे वेजिटेबल्स इसमें ही डाल लिए हैं और इसमें कुछ सेकंड के बाद पास्ता भी डाल लेंगे। पहले इसे 15-20 सेकंड चला लेंगे और इसमें पास्ता डाल लेंगे। ये देखें पास्ता भी डालकर चला लेंगे। ये पास्ता डल चुका है और इसे चला लेना है। इसे आधा मिनट तक चला लेने के बाद पनीर भी इसमें डालकर चला लेना है। पनीर ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, ये सारे थोड़ा कचापन ही रखना है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को। देखें इस तरह सभी को चला लेना है आधा मिनट तक। इसमें भी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इस तरह चलाकर रख लेना है। ये देखें सभी को इस तरह रेडी कर लिए हैं और इसे उतार कर रख लेना है। पनीर क्यूब्स को आप अलग से भी रोस्ट कर रख सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही रोस्ट कर सभी को ले ली हूँ और ये प्लेट में सभी को निकाल कर रख देती हूँ। फिर से कढ़ाई को साफ कर वापस चढ़ा लूँगी मीडियम फ्लेम पे। ये देखें सभी को इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये कढ़ाई को वापस चढ़ाकर तेल भी गर्म कर ली हूँ और इसमें हींग, तेजपत्ता और जीरा डालकर इसे ब्राउन कर लेना है। और जो ग्रेवी बनाई हूँ टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का, उसे इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से 102 मिनट तक इसे भून लेंगे। अच्छी तरह से इसे भूनना है ब्राउन होने तक। ये देखें इस तरह 1 या 1.5 मिनट तक जितना समय लगे ब्राउन होने में उतना ही देर भूनें। और इसमें जो भी मसाले हैं ऊपर से डालें, हल्दी 1 चम्मच, बड़ी चम्मच, और भी मसाले इसमें डाल लेंगे। और इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी आपके पास पाउडर हैं डालने वाले सभी डालें। और 1-1 चम्मच सभी को डाल दें छोटी चम्मच से।
और एक छोटी चम्मच मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे, और नमक आप अपने अनुसार डालेंगे। नमक का तो क्वांटिटी ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, इसलिए नमक सभी अपने अनुसार डालेंगे। ये थोड़ी मलाई डाल ली हूँ, अगर आपके पास मलाई है तो डालें, ताजी दही है वो भी डाल सकते हैं 2 चम्मच, और सभी को मिक्स कर लें। ये नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे, सभी को इस तरह मिक्स कर कर चला लेना है, और अच्छे तरह से ब्राउनी से करना है। जब तक साइड में तेल रिलीज नहीं हो तब तक इसे ब्राउन करना है। ये देखें, एवरेस्ट मीट मसाला भी इसमें डालेंगे, एवरेस्ट का, और भी मसाले हैं उसे भी डालेंगे। ये देखें, चाट मसाला भी थोड़ी हाफ चम्मच की क्वांटिटी में डालेंगे, और काश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल लेंगे। ये देखें, ये गरम मसाला 1 चम्मच डाल लिए हैं, और काश्मीरी लाल मिर्च मसाला भी डालेंगे, अभी नहीं डाले हैं, इसके बाद डालने वाली हूँ। और ये सभी को इस तरह चला लेना है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा फुल फ्लेम में नहीं रखना है, जल सकता है। पानी, गरम पानी डालना है, 500 ml की क्वांटिटी में पानी डालना है। ये सभी जो वेजिटेबल्स रेडी कर कर रखी थी, पनीर पास्ता और सभी वेजिटेबल्स, सभी को मिक्स कर लेना है, ज़्यादा देरी से नहीं रखना है, सिर्फ उबाल आने तक ही रखना है, 1/2 मिनट तक उबाल आने तक रखना है। ये देखें, ये बहुत टेस्टफुल स्पाइसी पास्ता और पनीर सब्जी बना है। ये उबाल आने वाला है, और ये खट्टी मीठी चटनी ले ली हूँ, ये घर की बनी हुई खट्टी मीठी चटनी इमली का है, इसे डाल लेंगे। अगर टोमेटो सॉस हो उसे भी डाल सकते हैं, इसे बहुत टेस्टफुल ज़्यादा बनता है। ये देखें, ये उबाल आ चुका है, ये अब सब्जी रेडी हो गया है। ये काश्मीरी लाल मिर्च अब डालेंगे, ये देखें, ऊपर से डालने पर इसका टेस्ट और कलर भी बहुत लाजवाब होता है। ये देखें, बहुत टेस्टफुल बना है, और इसे एक सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखें, ये पास्ता और पनीर की सब्जी सर्विंग ट्रे में निकाल कर ले ली हूँ, ये भी जो बचा है इसमें ही डाल लेती हूँ। ये देखिए, सभी पास्ता और पनीर की सब्जी रेडी हो चुका है सर्विंग ट्रे में। अगर इस तरह की सब्जी पसंद आए तो आप भी घर पे ट्राई करेंगे, और एक लाइक कमेंट